नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है सीखो सिखाओ चैनल पे। मैं हूं तुलसी मातो। आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोग के बीच आया हूं और एडोबी प्रीमियर प्रो पे लेके आया वीडियो। तो आज जो है टाइपिंग टाइपराइटर की जो इफेक्ट होती है उसे किस तरह से बना सकते हैं उसी के बारे में आज का वीडियो है। तो वीडियो पे मैं आपको क्या बताऊंगा उसे सबसे पहले देखते हैं। तो चलिए, तो यहां पे देखिए कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट में बनाना बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा ताकि मैं आपको सारी चीजें बता सकूं। ओके, देर ना करते चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको ऑडियो की जरूरत होगी। तो मैंने ऑडियो जो है यूट्यूब से डाउनलोड किया हुआ है और उसे MP3 पे कन्वर्ट कर लिया हुआ है। तो यहां पे देखिए मैंने डाउनलोड किया हुआ था और इसे मैं ड्रैग करके सीधे प्रीमियर प्रो पे लाके यहां पे छोड़ देता हूं। ओके, आप चाहे तो इसे प्ले करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, देखना क्या है। तो यहां से ये प्ले होगा, ये देखिए। ओके, तो इस तरह से कुछ यहां पे प्ले होके आपको साउंड इफेक्ट आने वाला है। अब जो है कोई इमेज या वीडियो फुटेज जो भी आपके पास हो, मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, देख लेते हैं कौन सा मेरे पास है। तो मैं यहां से ये जो इमेज है इसे ले लेता हूं, ठीक है। तो ड्रैग करके सीधे हम लोग प्रीमियर प्रो पे और यहां पे लाके छोड़ देना है। ओके, आप सीक्वेंस बना लीजिएगा। आप इस तरह से ड्रैग करके यहां पे ये जो न्यू है यहां पे भी आ सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली सीक्वेंस बना देगा। ओके, इसे ड्रैग करके मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, इसी पे भी हम लोग अभी बनाना है, ठीक है। यहां पे देखिए आपको साइज थोड़ी सी अलग दिखाई देती होगी। फिलहाल हम लोग अभी साइज पे नहीं है, फिर कभी हम लोग इन चीजों पे ध्यान देंगे। यहां पे आप साइज वगैरह फ्रेम वगैरह चेंज कर सकते हैं, देखिए यहां पे, ठीक है। ये टोटली आपकी मर्जी है। इन चीजों पे हम लोग आगे आने वाले दिनों में बातें करेंगे। यहां पे देखिए मैं ओके कर रहा हूं, ये देखिए अब चेंज हो गया। इमेज पे क्लिक करेंगे और सेट टू फ्रेम, अब देखिए ये साइज सेट हो गई है। थोड़ी सी आपको यहां पे ब्लैक दिखाई देती होगी। तो अब जो है हमें इफेक्ट कंट्रोल और यहां से स्केल कर देना है। ये देखिए फोटो हमारी स्केल हो गई और सेट भी हो गया। इसी पे जो भी हम लोग इफेक्ट यूज करेंगे इसी के ऊपर करेंगे। थोड़ा सा मैं इसे और बड़ा कर देता हूं, ऑडियो को ड्रैग करके सीधे नीचे लेके आएंगे, ठीक है। मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए इसलिए मैं यहां से इसे डिलीट कर देता हूं। किन्हीं को नहीं पता तो आप यहां पे देख लीजिए, यहां पे आपको मिल जाएगा रेजर टूल, इससे आप कट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा प्ले करके देख लेते हैं किस तरह से हमें सुनाई दे रहा है। ओके, तो हमें कुछ इस तरह से सुनाई तो दे रहा है। अब मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं यहां तक। और भी अगर आपके पास क्लिप वगैरह है तो आप ला सकते हैं। फिलहाल एग्जांपल के लिए मैं इसे आपको लाके दिखाता हूं यहां पे, ठीक है। इस इमेज के ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। ये जो क्लिप है इस क्लिप पे क्लिक करेंगे यहां पर, देखिए इफेक्ट बार पे, इफेक्ट कंट्रोल पे, यहां से ये जो ब्लेंडिंग मोड है इसे आपको स्क्रीन कर देना है। अब देखिए किस तरह से दिखने लगेगा, ठीक है। इसे दो चार बार आपको कॉपी कर लेना है। देखिए मैंने कॉपी किया, यहां पे क्लिक कर लीजिए, ये देखिए यहां पे भी आ रही है ना, फिर से इसे हटा लीजिएगा, अब नहीं आएगा, देख लीजिए। ओके, ये काफी बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब देखिए देखने में कितना अच्छा लगेगा। ओके, फिलहाल ये सारी चीजें आज की वीडियो की टॉपिक नहीं है। आज की जो टॉपिक है वो है टाइपिंग वाला मसला। तो मैं यहां पे आता हूं, थोड़ा सा ऑल्ट के साथ इसे जूम कर लेता हूं। आपको जो भी सुविधा लगेगा आप उसका यूज कर सकते हैं। टाइप टूल लेंगे और यहां पर टाइप करेंगे, ठीक है गाइस। तो मैंने यहाँ पे जो है ना वेडिंग टैग लाइन करके सर्च किया हुआ था, तो यहाँ पे बहुत सारे लाइनें आ जाती है। मैं यहाँ पे ये जो लाइन है ये ले लेता हूं। आप कुछ भी ले सकते हैं, अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं या अपना नाम लिख सकते हैं, ये टोटली आपकी मर्जी है। क्लिक है और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, तो ये काफी बढ़िया आ जा रही है। आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, है कि नहीं।
अगर आप यहां पे ग्राफिक्स पे क्लिक करें तो यहां पे एडिट पे आ जाइए। एडिट पे आने के बाद ये सारे प्रॉपर्टीज आपके पास आ जाएंगी, सेंटर करना चाहिए, सेंटर पे आ जाएंगी। यहां से इसकी साइज आप ये देखिए कुछ इस तरह से कम कर सकते हैं। सारा अगर आपको कैप्स लॉक पे चाहिए तो यहां से आप कैप्स लॉक कर सकते हैं। ओके, मैं इसे दो लाइन में करना चाह रहा हूं। सारे को सिलेक्ट करेंगे, यहां पे देखिए फिर से मैं इसे सेंटर कर लेता हूं। ओके, अब चाहे तो फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, ये टोटली आपकी मर्जी। तो मैं यहां पे खान फॉन्ट लेता हूं, आप कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं। ओके, अब इसकी साइज हमें इंक्रीज करनी होगी, तो कुछ इस तरह से इंक्रीज आप कर सकते हैं। यहां से हम ले लेते हैं सिलेक्शन टूल और इसे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ओके गाइस, तो हमने यहां पे टेक्स्ट लिख लिया हुआ है और आपको इमेज भी नजर आती होगी। अब आपको क्या करना है, इसी इमेज पे रहते हुए आपको कितना बड़ा बनाना है ये देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल ये बड़ा छोटा हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, ये ज्यादा मसला नहीं है। इसी टेक्स्ट पे रहते हुए आपको यहां पे चले आना है। ओके, इफेक्ट कंट्रोल पे, यहां पे देखिएगा एक होगा वेक्टर मोशन, ठीक है, और उसके नीचे होगा टेक्स्ट, इसी ओपन करना है। जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। यहां पे आने के बाद आपके पास फॉन्ट बोल्ड या जो भी बाकी सारी चीजें हैं जैसे बोल्ड वगैरह, ये सारी चीजें यहां पे आपको मिल जाएंगी। कलर चाहे तो आप कलर यहां से भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए फिलहाल मैं इसे व्हाइट ही रहने दूंगा ताकि मुझे व्हाइट ही ठीक लग रहा है यहां पे। ओके, अब यहां पे देखिए सोर्स टेक्स्ट का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो मैं सारे टेक्स्ट को यहां से इस तरह से कट करता हूं। ओके, अब मैं सोर्स टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहां पे जूम करूंगा। यहां पे हमने टी लगाया, एक स्टेप आगे जाना है और यहां पे फिर से जो लिखा हुआ था उसे एक एक स्टेप को आपको आगे लेके जाना है। ये देखिए फिर से, देखिए फिर से मैं आगे जाना है और ये देखिए एक एक स्टेप, एक एक चीज को अगर आपको आगे लेके जाना है। फिर से पेस्ट करते हैं, यहां पे थोड़ा सा स्पीड डाल के यहां पे आ जाते हैं। अब यहां पे स्पीड डालना है, दोबारा स्पेस मैंने लगाया, ये देखिए फिर से मैं कट कर दे रहा हूं। आगे स्टेप पे जाएंगे, फिर से मैं पेस्ट करूंगा, फिर से कट करूंगा और इस तरह से आपको एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाना है। ओके, तो वीडियो काफी बड़ी बनती जाएगी इसलिए आप लोग तो वीडियो काफी बड़ी बनती जाएगी इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूं ताकि आप लोग देखते देखते बोर ना हो जाए। ठीक है, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी हाजिर होता हूं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरा लिख लिया और यहीं तक हुआ है और ज्यादा नहीं हुआ है, इसलिए मैं क्या करता हूँ यहां से कट कर दूंगा। बाहर पे क्लिक करूंगा, सी प्रेस करूंगा और यहां से शिफ्ट के साथ अगर मैं प्रेस करूंगा तो जितना भी होगा यहाँ पे लाइन है, ठीक है, सारे कट हो जाएंगे एक साथ, जितने भी यहाँ पे आपने बनाया होगा सारे एक साथ कट हो जाएंगे। ठीक है, मैं सारे को इस तरह से सिलेक्ट करने के साथ डिलीट करता हूँ और यहाँ पे इसे भी डिलीट करता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या बनाया। ओके, थोड़ा स्पीड आपको लगता होगा कि नहीं काफी ज्यादा स्पीड है तो आप स्लो कर सकते हैं, ये टोटली आपकी मर्जी है। तो हो सकता है आपको लगता होगा ये काफी ज्यादा फास्ट जा रही है, तो अब आपको फास्ट अगर लग रहा है तो यहां पे चले आइए। ठीक है,
यहां से ही आप ये देखिए यहां पे ये काफी मैंने ये देखिए ये दूर दूर यहां पे ये नोड आपको दिखा देते होंगे, लेकिन जैसे मैं यहां पे आ रहा हूं यहां पे काफी ज्यादा फास्ट आपको दिखा देते होंगे, इसके चलते यहां पे ये फास्ट दिखाई दे रहा है। तो अगर आपका इस तरह का मिस्टेक हो भी जाए कभी तो घबराने की बात नहीं है, आप इस तरह से यहां पे भी सिलेक्ट करके इसे मूव करवा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप इन चीजों को मूव करवा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से यहां पे भी आप मूव करवा सकते हैं। ओके, आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, और जैसे कि मैं ऐसा कहता हूं अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छे लगते हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।